नहीं, बारिश आने का समय हो गया है। पिछले साल भी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी, अगर इस साल भी अच्छी नहीं हुई तो पूरे साल बिना अनाज के रामू क्या करेंगे? रामू, क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? पूछ मत भाई, मुझे अभी तुरंत ना बाजार जाना पड़ेगा। तुम जरा मेरी जमीन खोद दो भाई, बताओ ना भाई। हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आज मैं आपकी जमीन ही खोद देता हूँ। ये हुई ना अच्छे भाइयों जैसी बात। मैं चलता हूँ भाई। हाँ चलता हूँ। उसे बेवकूफ तो अच्छा बना दिया, अब घर जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। ये क्या है? शाम हो गई क्या? खेतों में जाना चाहिए। खेतों में जाकर देखता हूँ, लगता है अब तक आधी जमीन उसने खोद दी होगी। मेरा काम हो गया होगा। अरे वाह, इसने तो पूरी जमीन ही खोद डाली। अरे अरे जोदू भैया, धन्यवाद धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मेरी जमीन खोदने के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी विपत्ति में मैं और मेरी विपत्ति में तुम खड़े नहीं होंगे तो फिर हम कैसे पड़ोसी हुए, बताओ? हाँ, बिल्कुल सही बात कही, पड़ोसी। ठीक है ठीक है। रामू बेटा, आके खाना खा ले, ये ले थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले। माँ, ये तो कल के आपके हिस्से का है, आपने कल कुछ नहीं खाया था क्या? रामू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू ही खा ले। क्या कभी मैं जीवन में रुपए पैसों का मुंह भी देख पाऊंगा? आपको ऐसे काम करते देख बहुत दुख होता है माँ, बहुत दुख होता है। सुन रामू, हर चीज का समय होता है बेटा, जब समय आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। ले जाओ तुम, मेरे फल बहुत मीठे हैं, तुम खाओ और माँ के लिए भी ले जाओ। सुबह सुबह का सपना एकदम सच्चा होता है। तो क्या सच में ऊपर वाले ऊपर से मुझ पे पैसे फेंकेंगे? क्या बात है रामू, आज इतना खुश क्यों है? पैसे मिले हैं क्या? मिले नहीं है, पर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? डकैती करेगा क्या? मैंने सपना देखा है, ऊपर से सोने की मोहरे गिर रही है मुझ पर। सुबह का सपना है ये, सुबह का सपना तो सच होता है ना भाई? हाँ। ओ, तुमने भी सपना देखा है? मैंने भी सपना देखा, जैसे तुम पर ऊपर से सोने की मोहरे गिरी थी वैसे ही मुझे जमीन के नीचे से सोने की मोहरे मिली। फिर तो हम दोनों के ही सपने सच होंगे। क्या बात है, क्या बात है। सुबह का सपना सच हो जाए। क्या हुआ, ये क्या है, क्या है यहाँ? देखो तो जरा, क्या है ये? जैसे तुम पर ऊपर से सोने की मोहरे गिरी थी वैसे ही मुझे जमीन के नीचे से सोने की मोहरे मिली। तो क्या
तो क्या ऊपर वाले ने जोधू का सपना सच कर दिया? ये घड़ा जोधू को मिला था, मुझे नहीं। ठीक है, जाता हूँ और जाके मैं ये जोधू को खबर देता हूँ। क्या हुआ रामू, सुबह का सपना सच हो गया क्या? ऊपर से मोरे गिरी? नहीं भाई जोधू, मिट्टी के नीचे से घड़ा निकला है। जैसा तुमने सपना देखा था ना कि मिट्टी के नीचे से सोने की मोहरे निकलेंगी, इसलिए वो सब तुम्हारी है। देखो ना, सुबह का सपना सच हो गया। हाँ, मेरी जमीन में वो घड़ा रखा हुआ है, तुम जाकर ले आओ भाई। है? रामू ने क्या कहा, जमीन के नीचे घड़ा? पागल है क्या? जाओ क्या, उसने खुद क्यों नहीं लिया? उसने खुद ना लेकर मुझे दे दिया, बेवकूफी की हद है। जाता हूँ, जाकर देखता तो हूँ। उस बेवकूफ ने सच ही कहा था। अच्छा ही है, कुछ लोग बेवकूफ होते हैं। ओ बाबा, ये क्या है? ओ, ये तो मकड़िया है। ओ अरे बाप रे, अभी तो ये मेरा बुरा हाल कर देते। ओह, अरे बाप रे, अरे बाबा, ये तो जहरीली मकड़िया है। ऊपर वाले ने बचा लिया, ये रामू तो बहुत शैतान निकला, मुझे फंसाना चाहता था। रुक जा, आज तो मैं तेरी छत से छेद करके ये जहरीली मकड़िया तुम्हारे ऊपर ही डाल दूंगा। ओह अरे बाप रे, रुक, आज तो रात होने दे, फिर देखना कैसे मजा चखाता हूँ। जागते रहो। जागते रहो। जागते रहो। जागते रहो। माँ, माँ देखो, ऊपर वाले का दान, ऊपर से सोने की मोहरे। माँ, हैं? ये क्या? ये क्या? हे ऊपर वाले, ओ तो क्या घड़े के ऊपर ही सिर्फ मकड़िया थी और अंदर मोहरे थी? हाय 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 ऊपर वाले, ओ घड़े को उलटने से पहले अगर जरा सा देख लेता, एक बार अगर देख लेता तो मेरे हाथों मोहरे आ जाती, ऐसे नहीं चला जाता। हाय 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 हाय, अरे रे रे रे, छी छी छी, ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया।